बीएससी पार्ट सेकंड। गुड आफ्टरनून। आज आपको बता रहे हैं ऊष्मा इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। यदि ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित करना हो तो किसी बाह्य साधन जैसे कि ऊष्मा इंजन का उपयोग करना पड़ता है। इतना होने पर भी ऊष्मा की पूर्ण मात्रा का कार्य में रूपांतरण होना संभव नहीं है। ऊष्मा इंजन स्रोत से उच्च ताप पर ऊष्मा लेता है, ऊष्मा के एक भाग को कार्य की तुल्य मात्रा में रूपांतरित करता है और शेष भाग निम्न ताप पर सिंक को दे देता है। अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो कार्य की तुल्य मात्रा में रूपांतरित होता है ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा कहलाता है। तो ईटा बराबर है Q2 + Q1 / Q2। इंजन की दक्षता को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि यह अवशोषित ऊष्मा से उत्पन्न उपयोगी कार्य W तथा उच्च ताप पर अवशोषित ऊष्मा Q2 का अनुपात होता है। अतः ईटा बराबर है W / Q2। यह है समीकरण 2। हम जानते हैं कि W / Q2 का मान बराबर होता है T2 - T1 / T2 के। अतः W / Q2 का यह मान समीकरण 2 में रखने पर तो ईटा दक्षता ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा बराबर है T2 - T1 / T2। इस प्रकार ऊष्मा इंजन की दक्षता उन दो तापों पर निर्भर होती है जिनके मध्य इंजन प्रचालित होता है। दोनों तापों में जितना अंतर अधिक होगा इंजन की दक्षता भी उतनी अधिक होगी। एक इंजन की दक्षता 100% कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि T2 का मान अनंत हो या T1 का मान शून्य हो ये दोनों शर्तें ही कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। कार्नोट इंजन की दक्षता उच्चतम होती है, इसके प्रत्येक पद उत्क्रमणीय होते हैं और उत्क्रमणीय अवस्था में ही अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू।